5 एंड 7x जूम लेंस इसके साथ मिलने वाले हैं। ये देखो भाई, जूम इन कर रहा हूं मैं, जूम इन करने के बाद भाई देखो ये आ गया यहां तक, यहां आने के बाद भाई देखो ये रहा, एकदम क्लियर दिखाता है ये रहा। अभी देखो इसके अंदर पूरा का पूरा ये मैंने जूम आउट कर रखा है, पिक्चर क्लियर है। पिक्चर क्लियर होने के बाद भाई मैं इसको जैसे जैसे जूम इन कर रहा हूं ना, एकदम पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर है। ये लो कनेक्टर देख लो भाई, इससे ज्यादा क्लियर और क्या दिखेगा। एक छोटा सा स्विच कितना सा होता है, ये इसके अंदर कितना बड़ा दिखा रहा है। एसओपी टॉप के अंदर यही खास बात होती है। तो भाई ये माइक्रोस्कोप आप ले सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 21,000 के अराउंड ये आपको मिलने वाला है, लोहिया टेलीकॉम से मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो बड़ी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, समीर भाई आपने बहुत कुछ दिखाया, एसओपी टॉप का बजट रेंज के अंदर माइक्रोस्कोप दिखाओ। भाई इस माइक्रोस्कोप की अगर प्राइस की बात करें ना, अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप खरीदने जा रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ये माइक्रोस्कोप आप ले सकते हैं। तो किस तरह से ले सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भाई मैंने लोहिया टेलीकॉम से परचेस कराया और वहां से खाली माइक्रोस्कोप नहीं, उसके साथ ये बॉक्स भी फ्री में मिलने वाले हैं। अब इसकी बॉक्स की बात करें तो भाई ये मेरे पास एक लेंस है, इसकी अगर बात करें तो 7x है और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 5x है। 5 एंड 7x जूम लेंस इसके साथ मिलने वाले हैं, कितने मिलेंगे वो वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर निकलती है एक लाइट, लाइट किस टाइप की निकलती है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ओपन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें भाई, ये आता है भाई 21,000 के अराउंड आता है। अगर आप और भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो कैसे मिल सकता है, वीडियो पर बने रहो, मैं आपको और भी बताता हूं। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि इसके अंदर भाई किस टाइप का माइक्रोस्कोप निकलने वाला है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो भाई हमारे पास है एक माइक्रोस्कोप, तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर निकलती है भाई एक कैटलॉग इस टाइप की, मैं जानता हूं कैटलॉग तो कोई भी नहीं पढ़ता, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई इसको मैंने निकाल लिया बाहर, अब इसके अंदर से डब्बे को देखना पड़ेगा सीधा और उल्टा। यहां पे देखो अब लिखा हुआ है, तो इसको इसी तरह से हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर साइड से कटर से लेंगे, इसकी यहां पे जो टेप लगी हुई है इसको काट लेंगे। काफी टाइम से डिमांड थी आपकी इस माइक्रोस्कोप को देखने के लिए, ये माइक्रोस्कोप आपको मिलने वाला है। चलिए इसको फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसका एक हेड निकलता है, हेड के बाद यहाँ पे निकलता है भाई इसका एक बेस, और ये निकलते हैं दो इसके लेंस। चलिए इसको असेंबल करते हैं उसके बाद देखेंगे। और ये निकलता है इसका डस्ट कैप, मतलब रात को जाते वक्त इससे आपको ढकना जरूरी है। इसको असेंबल कर लेते हैं। तो भाई पूरा का पूरा इसको मैंने असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद भाई इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें लगाई हैं एक बारी मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूं। सबसे पहले तो इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये रबड़, रबड़ इसी के ऊपर लगी हुई आती है, अलग से किसी बॉक्स में नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर इसके जूम लेंस की अगर बात करें तो भाई इसको मैं घुमा के दिखा देता हूँ, 10-20 ये आपको दिखने वाला है। 10-20 के बाद भाई मैं आगे के अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इसका कैमरा फीचर। यहाँ पे अगर आप कोई कैमरा लगाना चाहते हैं तो कैमरा भी लगा सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो भाई नीचे यहाँ पे आती है ये लाइट, ये एलईडी लाइट आती है, और एलईडी लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये आता है इसका एक कंट्रोलर। ये सारी की सारी चीज़ें इसी के साथ में आपको मिलने वाली हैं। और इसके बाद भाई बात करें तो ये रहे दो मेरे पास जूम लेंस। इसके अंदर अगर ऊपर की बात करें तो 5x दिख रहा है, नीचे की बात करें तो 7x दिख रहा है। इन दोनों के अंदर से अगर आपको 5 चाहिए 5 मिलेगा, 7 चाहिए तो 7 मिलेगा, एक आपको इसके साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं है, इसके बाद भाई आगे की अगर बात करें तो इसका पूरा का पूरा मैं सेटअप लगा चुका हूँ। और अगर क्वालिटी वगैरह वाली बात है तो वो हमारे पास जो ये है इस टाइम पे मोबाइल, इसके अंदर हम इसकी पूरी की पूरी क्वालिटी देखने वाले कि ये किस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अभी इसके अंदर मैंने जूम आउट कर रखा है और इसके अंदर एक फीचर है, जब भी आप इसको यहाँ से छेड़ेंगे ना आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसओपी टॉप जाना जाता है तो इसीलिए जाना जाता है। तो एक बारी मैं इसके अंदर भाई क्या करूँगा, जूम आउट, जूम इन है ना इस टाइम पे आउट है, तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे भाई एक बारी क्लियरिटी देख लो। अब इसके अंदर जो मैं क्लियरिटी दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखो पीछे बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाऊंगा मैं, सिर्फ फ्रंट फ्रंट से ही, मतलब आपको क्लियरिटी इसी को, सिर्फ इसको छेड़ा है मैंने, इसके अलावा किसी को नहीं छेड़ा। क्लियरिटी आपके सामने, पिक्सल बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एक भी पिक्सल इसके अंदर फटने वाला नहीं है। ये तो थे पॉइंट, इसके अलावा कुछ छोटी आईसियाँ होती हैं उनको भी एक बारी नज़र मार के देख लेते हैं। सपोज जैसे कि ये रही, ये आईसियाँ हैं हमारी। अब पहले इसको क्या करेंगे, जूम आउट है ना पूरा, जूम आउट करने के बाद इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे जो जितना आपको दिखता है। ये क्लियर है इस टाइम पे। अब मैं इसको जूम इन करने वाला हूँ, देखो भाई जूम इन करूँगा मैं इसको, और इसको थोड़ा सा साइड ले लेते हैं ये यहाँ पे। ये देखो भाई जूम इन कर रहा हूँ मैं, जूम इन करने के बाद भाई देखो ये आ गया यहाँ तक, यहाँ आने के बाद भाई देखो ये रहा, एकदम क्लियर दिखाता है ये रहा। एक तो ये मदरबोर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम, क्या मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। पूरा का पूरा जूम कर रखा है मैंने, इसी चीज़ को मैंने जूम आउट कर दिया। अब जूम आउट करने के बाद भाई ये देखो, ये आपके सामने, ये
ये चीज है इसके अंदर, जो कि ये खासियत है इसके अंदर। इसके अंदर पीछे से छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा मोबाइल के अंदर है ना ऑटो फोकस होता है, वो बार बार उसको हाथ से सेट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। माइक्रोस्कोप के नीचे मैं ग्रीन वाला मदरबोर्ड रखने वाला हूँ, और ग्रीन मदरबोर्ड रखने के बाद भाई इसके अंदर भी चेक करेंगे कि इसके अंदर आखिर है क्या क्या। तो भाई यहाँ पे मैं इसको रखूंगा, कौन सा दिखाऊं मैं आपको, चलिए जो भी दिखता है वही देखेंगे इसके अंदर। चलो इस आईसी को ही ले लेते हैं, ये जो आईसी है इस टाइम पे, ये वाली जो आईसी है हमारी। अब इसको चेक करने से पहले क्या होगा, पहले अच्छे से आप इसको जूम आउट करेंगे, फिर उसके बाद एक बार जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद भाई छेड़ेंगे अपनी मोबाइल की एलसीडी को, ये रहा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ पूरा, जिससे कि आपको पता चले कि भाई मैं आपको क्या दिखाने के लिए और क्या समझाने के लिए कह रहा हूँ। अभी देखो इसके अंदर पूरा का पूरा ये मैंने जूम आउट कर रखा है, पिक्चर क्लियर है। पिक्चर क्लियर होने के बाद भाई मैं इसको जैसे जैसे जूम इन कर रहा हूँ ना, एकदम पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं भाई कितना बड़ा बड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये देखो। चलो बड़े के साथ साथ जब बड़े की बात ही आई है तो एक बारी कनेक्टर की तरफ भी चल लेते हैं। कनेक्टर किधर है तो उसके लिए पहले जूम इन करते हैं, बड़ा सेक्शन दिखेगा हमें, उसके बाद कनेक्टर ईजिली हमें दिख जाएगा। ये देख लो भाई, ये कनेक्टर दिख गया। कनेक्टर दिखने के बाद ये रहा, ये लो कनेक्टर देख लो भाई, इससे ज़्यादा क्लियर और क्या दिखेगा। एक कनेक्टर के अंदर कितने सारे पॉइंट होते हैं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के आसपास इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे सामने दिख रहे हैं। ये है भाई इसके अंदर खासियत माइक्रोस्कोप के अंदर। और इसके अंदर ऐसे ही नहीं, चलो कोई और भी चीज़ देख लेते हैं एक बारी, इसके अंदर देख लेते हैं इसका, देखते हैं स्विच, देख लेते हैं स्विच, जो कि स्विच तो वैसे काफ़ी बड़ा होता है, मगर बड़े के हिसाब से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कितना दिखा देता है। ये देखो भाई मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये देखो देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से दिखा रहा है। और ये मैंने फुल किया था, फुल तो आ भी नहीं रहा, इसको थोड़ा सा पहले ही रोकना पड़ रहा है इतने पे, तब जाके ये भाई ये इसका स्विच है। एक छोटा सा स्विच कितना सा होता है, ये इसके अंदर कितना बड़ा दिखा रहा है। एसओपी टॉप के अंदर यही खास बात होती है। काफ़ी भाई कहते हैं कि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया माइक्रोस्कोप चाहिए, तो भाई ये माइक्रोस्कोप आप ले सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 21,000 के अराउंड ये आपको मिलने वाला है, लोहिया टेलीकॉम से मिलने वाला है। इसके अगर डिस्काउंट की बात करें तो बोलना कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी अगर आप देते हो तो कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट हो जाएगा तो मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।